ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, शुरू हो चुका है ललन टॉप सिनेमा पर दिस सिनेमा शो जी। मैं हूँ जीशा और अब 1-2 का 4 गाना बंद कीजिए और इंडस्ट्री की सारी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब करते चलिए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करें आज की खबरों का सफर। यूक्रेन रूस के बीच चल रही जंग, कान फिल्म फेस्टिवल ने अपना सपोर्ट यूक्रेन को दिया है। कान के इस साल होने वाले फिल्म फेस्टिवल में रशियन डेलीगेशन यानी रूसी प्रतिनिधि मंडल पर बैन लगा दिया है। Variety.com की रिपोर्ट के मुताबिक फेस्टिवल में रूसी फिल्म मेकर्स को जगह मिलेगी, मगर रूसी सरकार से जुड़ी किसी भी तरह के कंटेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच हॉलीवुड स्टूडियोज डिज्नी, वॉर्नर ब्रदर्स और सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट अपनी अपकमिंग फिल्मों को रूस में रिलीज नहीं करेंगे। वॉर्नर ब्रदर्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि रूस में द बैटमैन रिलीज नहीं होगी। ऐसे ही वॉल्ट डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म टर्निंग रेड भी रूस में रिलीज नहीं की जाएगी। डॉक्टर स्ट्रेंज और द पावर ऑफ द डॉग स्टार बेनेडिक्ट कम्बरबैक ने हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार सेरेमनी में रूस यूक्रेन युद्ध पर बातें की। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के लोगों के साथ है, उन रूसी लोगों के साथ है जो देश में अपने ही नेताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने अपील की कि लोग यूक्रेन की हर संभव तरीके से मदद करने की कोशिश करें। यूक्रेन रूस युद्ध पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे अकेडमी अवार्ड विनर एक्टर शॉन पेन पोलैंड लौट गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो और उनके दो साथी अपनी कार को सड़क किनारे छोड़कर पैदल ही पोलैंड की बॉर्डर पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने अपनी कार क्यों छोड़ी इसे लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की फिल्म अम्मा का ट्रेलर आ गया। सैंड्रा ओ और फेवल स्टुअर्ट की ये कहानी माँ बेटी के रिश्तों की है। अपनी माँ की मौत के बाद जब बेटी के पास माँ का कुछ पुराना सामान आता है तो सिचुएशन डरावनी हो जाती है। ये हॉरर फिल्म 18 मार्च को रिलीज होगी। वॉर्नर ब्रदर्स की फिल्म द बैटमैन का वर्ल्ड प्रीमियर न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें रॉबर्ट पैटिनसन और जोई क्रेविट्स के अलावा सभी लीड स्टार्स पहुंचे। प्रीमियर नाइट के रेड कार्पेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। मूवी 4 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिलती नजर आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है कि आर्यन एक बड़ी ड्रग्स साजिश या इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का हिस्सा थे। बीते साल क्रूज पर मारे गए छापे में कुछ इररेगुलरिटीज थी जिसकी वजह से आर्यन को गिरफ्तार किया गया था। SIT का कहना है कि आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं थे, ऐसे में उनका फोन लेना और चैट की जांच करने की कोई जरूरत नहीं थी। चैट से ये नहीं पता चलता कि आर्यन किसी इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा थे। फिलहाल SIT की जांच पूरी नहीं हुई है। NCB डायरेक्टर SN प्रधान को रिपोर्ट सौंपने में अभी कुछ और महीने लगेंगे। आखिरी फैसला लेने से पहले कानूनी राय ली जाएगी। पिछले साल 2 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज पर NCB ने छापा मारा था, जिसमें से कुछ ड्रग्स और कैश भी बरामद हुए थे। इसी केस में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। कई दिनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। अब इसे इत्तेफाक कहे या PR स्ट्रेटजी, लेकिन आर्यन खान को करीब करीब क्लीन चिट मिलने के तुरंत बाद ही शाहरुख ने अपनी मच अवेटेड फिल्म पठान की अनाउंसमेंट कर दी। आज सुबह यशराज फिल्म्स ने पठान का अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया, जिसमें जॉन एब्राहम और दीपिका पादुकोण दिखे। बैकग्राउंड में शाहरुख का वॉइस ओवर भी सुनाई दिया। फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर जल्द ही लव रंजन की अगली फिल्म में दिखाई देंगे, जिसका नाम फिलहाल तय नहीं किया गया है। ये अनटाइटल फिल्म 8 मार्च 2023 को रिलीज होगी। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपनी अगली फिल्म सुखी की शूटिंग शुरू कर दी है। भूषण कुमार की टी सीरीज के बैनर तले बन रही इस फिल्म से सोनल जोशी अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करेंगी। विकी कौशल, तृप्ति दिमरी और एमी विर्क धर्मा प्रोडक्शन की अगली फिल्म में नजर आएंगे। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का प्लॉट क्या होगा इसे लेकर कुछ रिवील नहीं किया गया है। मूवी अगले साल रिलीज होगी। अली अब्बास जफर की अगली एक्शन पैक्ड फिल्म के लिए शाहिद कपूर ने अपनी फीस 25% बढ़ा दी है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अली की फिल्म के लिए शाहिद ने 38 करोड़ रुपए मांगे हैं। सनी लियोनी की वेब सीरीज अनामिका का ट्रेलर आ गया। विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज की कहानी एजेंट अनामिका की है, जो 3 सालों से छुपकर काम कर रही है। ट्रेलर में सनी फुल टू एक्शन करती दिख रही है। सीरीज 10 मार्च से MX प्लेयर पर देखी जा सकेगी। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड के प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने बताया कि बिग बी ने फिल्म के लिए अपनी फीस घटा दी थी। संदीप ने बताया कि मूवी के बजट को मेंटेन करने के लिए काफी स्ट्रगल चल रहा था। जब अमिताभ को ये पता चला तो उन्होंने अपनी फीस घटा दी।
यूक्रेन पर हुए रूसी हमले में इंडियन स्टूडेंट नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई। उनकी मौत पर फरहान अख्तर ने शोक जताया, ट्वीट कर लिखा कि उन्हें परिवार के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य नागरिकों को सुरक्षित देश वापस लाया जा सकेगा। फिल्म मेकर ओनर ने भी इस खबर पर दुख जताया। अनुष्का शर्मा के भाई कर्णेश शर्मा जल्द ही नए OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाले हैं। इस पर फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट दिखाया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो 2023 के मिड तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। कंगना रनौत का शो लॉकअप MX प्लेयर पर लाइव हो चुका है। मेकर्स ने बताया कि शो को बीते 48 घंटों में 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। शो में 13 कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें एक साथ एक पर्टिकुलर जगह पर लॉक कर दिया गया है। महेश मांजरेकर को उनकी मराठी फिल्म के कुछ विवादित सीन्स को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई है। उन्हें कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मूवी के मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ 3 सप्ताह के लिए गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई ना करें। मशहूर फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चोकसे नहीं रहे, वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका कॉलम पर्दे के पीछे खूब फेमस था। बीते 26 सालों से वो अपना ये कॉलम लिख रहे थे। 4 दिनों पहले उन्होंने उसकी अंतिम किश्त लिखी जिसका टाइटल था ये विदा है अलविदा नहीं। कभी विचार की बिजली कौंधी तो रूबरू हो सकती है लेकिन संभावनाएं शून्य है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब मुलाकात होगी कल, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए लालन टॉप सिनेमा। आज की इन खबरों को लिखा है हमारी साथी मेघना ने। मेरा नाम है जीशा, शुक्रिया। थिएटर और OTT में क्या बढ़िया है, एक बार रिव्यू तो बताओ। जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ललन टॉप सिनेमा।